हेलो दोस्तों, आर्टिस्ट गौशंकर चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर लोग ऐसे चीज़ को या डस्टबिन में फेंकते हैं या रास्ते में फेंक देते हैं, खास करके बच्चे लोग। आज उसी से जुड़ी एक वीडियो हम बनाएंगे, आप पूरा वीडियो आप देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक अमूल लस्सी का एक पाउच गिरा हुआ है, तो उसी से हम पेन स्टैंड बनाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो पूरा आप ज़रूर देखिए कैसे हम पेन स्टैंड बनाते हैं। दोस्तों, ये पेन स्टैंड बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए आप देखिए। पहले एक लस्सी का पाउच, सेफ्टी सीजर, स्केल, एक स्केच पेन, टेप, जूट, ऐसे सामान आपको हार्डवेयर के स्टॉल में मिल जाएगा। पहले दोस्तों, ये पाउच को हम इस तरह खोलेंगे और यहाँ से काट के इसे खोल लेंगे। मुँह फिर दोस्तों हम ध्यान से देखिएगा, वहां से हमको वहां तक एक लाइन खींचना है। फिर वहां से वहां तक और एक लाइन खींचना है। ये हो गया। अभी हम दोस्तों ये काटेंगे। दोस्तों देखिएगा, सीधा काटना है वहां तक। कट लिया, अभी उसको इसे फोल्ड करेंगे और वहां से कट करेंगे। अभी वहां से कट करना है या यहां से भी कट कर सकते हैं। मुझे कट करना है। दोस्तों ये हो गया। अभी हम उस पे कोई भी ग्लू आप लगा सकते हैं, जैसे हमने ये ग्लू यूज़ कर रहे हैं। पहले नीचे से हम ऐसे ग्लू लगाएंगे और ऐसे उंगली से उसको। दोस्तों ये उसमें थोड़ा ग्लू ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि रस्सी जो है वो आसानी से
चिपक के बैठ जाए। हाँ दोस्तों, मैंने लगा लिया। अभी उसे यहाँ से लगाएंगे। दोस्तों थोड़ा टाइट करके हम लगाएंगे ताकि अच्छी तरह पाउच का पैकेट पूरा ढक जाए। यह हो गया। फिर वहाँ से हम फिर से ग्लू लगाएंगे। और दोस्तों क्या लगता है, थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। दोस्तों ये जहाँ से ख़त्म हुआ वहाँ से हम ये लगाएंगे। यह हो गया दोस्तों इतना तक। यह हो गया। अभी दोस्तों वहाँ से हम एक रस्सी लगाएंगे ताकि ये आसानी से
अभी हम दोस्तों ये बनाएंगे, कैसे बनाते हैं आप देखिए। एक टिप, दोस्तों इस तरह यहाँ तक आना है, हमने पहले से ये बना लिए थे। दोस्तों ये पहले से मैंने बना लिए थे, अभी हम वहाँ से एक से यहाँ से यहाँ पर कट करना है। दोस्तों से लगना है, दोस्तों और कुछ ऊपर से हम फिर से ये लगाएंगे। दोस्तों ग्लू थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा आपको, ताकि रस्सी उससे छूटे नहीं। हमने लगा लिया, ये भी आसानी से बैठ जाएगा। ये जहाँ से ख़त्म हुआ वहाँ से हम उसको लगाएंगे। दोस्तों ध्यान से देखने, ये बहुत आसान है, आसान से आसानी से लग जाएगा। दोस्तों यहाँ से मुझे ये कट के निकलना है यहाँ से। दोस्तों ध्यान से देखना, यहाँ से उसको काट करना है। अभी दोस्तों यहाँ पर हमको पेन रखना है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक एक एक करके हमको लगाना है। जैसे कि यहाँ से एक लिया और वहाँ तक हमको आना है, फिर हम उसको काटेंगे। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ेगा आपको, यहाँ से यहाँ तक आना है। मैंने पहले से ये गम से चिपका दिया है, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से एक एक करके यहाँ तक हमको आना है, फिर हम
उससे डिज़ाइन करेंगे। जैसे कि मैंने ये यहाँ पर इस तरह करके यहाँ तक एक पहले से मैंने कर लिए थे, अभी हमको वहाँ से ऐसे करके यहाँ तक आना है। ये देखिए हमको ग्लू से ये ग्लू लगा लिया मैंने। ये हमको यहाँ से उसको इस तरह पिटना है। ताकि देखने में सुंदर लगे। दोस्तों हमको यहाँ तक आना है तो ये कट के वहाँ पर कट करना है। ध्यान से देखिएगा ऐसे हमको दोस्तों अभी वहाँ पर एक डिज़ाइन बनाएंगे। पहले वहाँ पर ठीक मिडिल पे हम ग्लू लगाएंगे, उसके बाद ये रस्सी को ऐसे हम राउंड बनाते जाना है। देखिएगा दोस्तों इस पर घुमाना है गोल गोल, थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। दोस्तों ये हो गया, अभी हम उसको कट करेंगे। वहाँ पर हमको ये चिपकाना है। ये देखिए ये आसानी से चिपक गया। फिर मिडिल पे हम कोई भी चीज़ मोती वगैरह लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये रेड वाला ये लगाया। दोस्तों ये हो गया, अभी हम वहाँ पर देखिए दोस्तों पहले से मैंने एक बना लिए थे
है ना मज़ेदार। ज़रूर ये वीडियो आप घर पे प्रैक्टिस करना, और डस्टबिन में फेंका हुआ चीज़ से हम पेंस्टन बनाएंगे घर पे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के ज़रिए हमको बताएंगे, और सब्सक्राइब ज़रूर करना आर्टिस्ट गौर शंकर चैनल को, लाइक करना, शेयर करना।